बापू ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, बीजेपी सरकार राम मंदिर को नहीं बनने दे रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार विकास की बात करती है तो यह सब जुमलेबाजी है। हमारी नर्मदा माँ को स्वच्छता के नाम पर लूटा जा रहा है और अवैध उत्खनन हो रहे हैं। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी के संरक्षण में माफियागिरी चल रही है और बीजेपी सरकार भ्रष्टता की ओर बढ़ रही है। अवैध उत्खनन बंद नहीं हो रहा है, हम गौ हत्या की बात करें तो उस पर भी राजनीति हो रही है, न अभी तक कोई कानून बनाया गया। गौ हत्या की जा रही है, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में गौ माता का संरक्षण हुआ है। उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, संत समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा हुआ है। इधर आपने किस संदर्भ में पीसी रखी हुई है? ये आज हम भोपाल में यहाँ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं और जिस प्रकार से भाजपा के लिए हम विरोध करने के लिए मजबूर हुए हैं उसका कारण सबसे पहले राम मंदिर के लिए 4.5 वर्ष में भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया। भाजपा ना तो अध्यादेश लाने की बात करती है ना राम मंदिर निर्माण की बात करती है और विकास की बात बोले तो केवल एक जुमलेबाजी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश में भी जैसे हमारी नर्मदा माँ के लिए उन्होंने जो करना चाहिए था नहीं किया, बहुत सारे गंदे नाले आज भी नर्मदा में डाले जा रहे हैं, अवैध रेत खनन हो रही है, मुख्यमंत्री के संरक्षण में माफियागिरी चल रही है, रेत खनन बंद नहीं हो रहा है, हम गौ हत्या की बात कर लें, मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर आज तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कहीं पर भी गौ हत्या प्रतिबंध का सामना ही नहीं देखा गया कि ऐसा कहीं पर हुआ हो। माता बहनों की संरक्षण बाद मठ मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, संत महात्माओं की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण आज संत समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसके विरोध में खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की अनेक विधानसभाओं में जाकर संत समाज अलग अलग टुकड़ियों में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। भारतीय जनता पार्टी को विरोध नहीं देना, समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो संतों का संरक्षण जिसको कहा जाता है वो संतों के संरक्षण नहीं कर रहे हैं, विकास के नाम पर केवल जुमले बाजी साबित हो रही है। इन्हीं सब कारणों से हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं और भाजपा